धना पिताती स्मृत श्री श्री बजरंगदास जी महाराज जो हमारे जयपुर शहर के ही नहीं पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के ही श्री श्री 1008 श्री त्रिवेणी धाम वाले बाबा जी श्री नारायण दास जी महाराज के सुयोग शिष्य बजरंगदास जी महाराज का आपसे गौशाला में अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपने यहाँ पधार करके धरा भूमि को धन्य किया है। सतगुरु आया ए सखी मैं काई मनवार करा, सतगुरु आया ए सखी मैं काई मनवार करा, चौक पुरावा मोतियाँ और चरणों में शीश धरा। चरणों में शीश रखते हुए प्रणाम करता हूँ महाराज श्री को डंडोर। आप अनवरत तपस्या में रहते हैं और कई वर्षों से आपने भोजन का भी त्याग कर रखा है। हमारे बजरंगदास जी ने पता नहीं कितने वर्षों से छोड़ रखा है अन्न और फल सब त्याग करके सिर्फ एक दूध का गाय माता का दूध का गिलास लेकर के पूरा जीवन यापन करते हैं। ऐसे होते हैं त्यागी जो भोजन का भी त्याग कर दे। जिन संतों ने वर्षों वर्षों से भोजन का त्याग कर रखा है तो लगता है कोई परमात्मा ही इनके ऊपर कृपा करके इनका भोजन बन करके हरि नाम ही इनका भोजन है। ऐसे त्यागी महापुरुष धन्य है और धन्ना भगत अद्भुत भगत हुए जाट परिवार से। और हमारा ये क्षेत्र भी जाट बाहुल्य है। किवाड़ा पूरा जाटों का, गेरू पूरा पूरा जाटों का। जाट के ठाठ देखिए आप, जिधर देखो उधर अभी। और इनमें सबसे ज्यादा सूरवीर और भगत हुए तो धन्ना भगत हुए इस परिवार में। महाराज धन्ना भगत अद्भुत और बचपन से ही ऐसी लगन लगी ठाकुर पूजा की। उनके घर पर कोई संत आए थे और वो सालग्राम जी की पूजा कर रहे थे। सालग्राम जी की पूजा कर रहे थे, धन्ना भगत वहां गया। कहने लगा बाबा आप ये गोल गोल पत्थर है ये क्या है, हमें भी बताइए। ये भगवान है। बोले ऐसे होते हैं भगवान? हाँ बोले भगवान ऐसे ही होते हैं। तो बाबा ये भगवान हमें दे दीजिए। तो संत जी ने कहा बोले मेरे पास तो एक ही भगवान है, वो कैसे दे दूं, फिर मैं किसकी पूजा करूंगा। तो रोने लगा, छोटा बालक था, जिद पकड़ ली। बोले नहीं मैं ये भगवान मैं ही लूंगा, ये भगवान मैं ही लूंगा। और जिद तीन चार प्रकार के हट होते हैं, बाल हट, त्रिया हट, जोगी हट, राज हट। ये हट पकड़ लेते हैं ना महाराज, तो इनका हट पूरा करना पड़ता है। और छोटा बच्चा भी हट पकड़ लेता है। धन्ना भगत ने हट पकड़ ली, बाल हट। कहा बाबा ये जो भगवान है ना मैं लूंगा, इसकी पूजा मैं करूंगा। तो महात्मा ठहरे, महात्मा ने देखा बालक हट कर रहा है, तो उन्होंने अपना भगवान तो नहीं दिया और एक भांग गोटने की जो पत्थर की लोडी होती वो दे दी। बोले ये ले जा, इसकी पूजा करना, ये भगवान। और वो धन्ना भगत उस भांग घोटने की जो लोडी थी पत्थर की उसको ले जाकर उसी को भगवान मान के, बाबा इसकी पूजा कैसे करूं? तो उन्होंने कहा पहले इनके भोजन, जब भी तू भोजन करे तो पहले इनके भोग लगाना, पहले इनको भोजन कराना, फिर तू भोजन करना। बोले बाबा और क्या करना? बोले पहले इनको स्नान भी कराना, इनके पत्र पुष्प भी चढ़ाना, और जब भी तुझे भूख लगे तो पहले इनको भोजन कराना, फिर तो भोजन करना। ठीक है बाबा। वो धन्ना भगत उस पत्थर के भगवान को ले जा करके जब पानी का पनघट होता है जहाँ मटकी रखी जाती है वहाँ उस पत्थर के भगवान को वहाँ रख दिया। और स्नान कराना है तो वहीं गड़े में से पानी लिया मटके में से और वहीं डाल दिया। और बाजरे के टक्कड़ और ग्वार फली को साग भगवान के आगे ले जाके रख दिया और कहे भगवान अब आप भोजन करो। अब पत्थर का भगवान का ही भोजन करे। और ये जो है धन्ना भगत भोला। अच्छा जो भोला और सीधा बिल्कुल भोला मन का होगा ना वो भगवान के बहुत नजदीक होता है। जो अपने आप में चालाक समझो ना
भगवान सो हजार कोस दूर है। जितने आप सरल होंगे, जितने आप निर्मल होंगे, उतने आप भगवान के नजदीक होंगे। जितना कलडा रहेगा उतना ही भगवान से दूर रहोगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं कि मुझे निर्मल कैसे, कैसा निर्मल, जैसे गंगा का नीर निर्मल होता है, ऐसे कोई साधक निर्मल होता है वो मुझे प्रिय है। परमात्मा कहते हैं मुझे प्यारा है। और जो है ना कपट राख से मन में और अहंकार में लोडा की तरह, पत्थर का लोडा की तरह जो है ना कलडो रे हुए। रज जब रज मस्तक चढ़े नरमायों के पाण, और टोड़ा ठोकर खात हैं अकड़ायों के पाण। रज कितनी निर्मल होती है, उड़ करके मस्तक पे गिर जाती है। पत्थर का टोड़ होता है ना वो ठोकरों में आता है महाराज, क्योंकि वो अकड़ाई है महाराज। वो पत्थर के भगवान थे। और धन्ना भगत क्या कहता है, ए भगवान आप बाजरा की रोटी को भोग लगाओ। थे वो बाबा जी ने गणी मिश्री खाया होला, गणे काजू बादाम खाया होला, पर मारे घरा तो ये बाजरा की रोटी है। बाजरा की रोटी खा ले श्याम दूर मन भूल जावे जो, बाजरा की रोटी खा ले श्याम दूर मन भूल जावे जो। दाल की सागे लाई हांडी बाबा कड्डी और दाल की, और गुड़ मीठो मीठो लागे मारा श्याम चूरमा ने भूल जावे। ए सावरा तू घणा ही चूरमा खायो छे, पर तू मारा बाजरा का टक्कर भी खार देख, काई स्वाद आवे छे। बाजरा की रोटी पोवा ऊपर घी को लचको रे, पालर की तरकारी रांदा भर मूली के बटको रे। अरे भर भर थाली रे ए राम रुकाई, भाई भाई रे राम रुकाई, साचई रे राम रुकाई। तर लो पीलो नाच जाट के बढ़ गयो हाड़ी रे ए राम रुकाई, साचई रे राम रुकाई, भाई भाई रे राम रुकाई। भगत भगवान को कह रहे हैं, भगवान थे जीमो जद मैं भी जीमू, मानू नाही लाठ की जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी। बाबो मारो गांव गयो छे ना जाने कद आवेलो, ई बाबा के भरोसे सावरा भूको ही रे जावेलो। महाराज कर्माबाई भी जाटनी, और आज तो क्या पता कैसे धन्ना भगत जी की कृपा हो गई और स्वयं पीठाधीशर पधार गए हैं। तो लगता है महाराज बजरंग दास जी नहीं आए, स्वयं धन्ना भगत जी आ गए। महाराज बार बार प्रार्थना करी, लेकिन वो पत्थर का भगवान कब भोजन जीमने लगा। जब भगवान पत्थर के भगवान ने भोजन नहीं पाया तो धन्ना भगत ने भी भोजन नहीं पाया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हो गए, धन्ना भगत भोजन नहीं पा रहे। अब धन्ना भगत ने देखा भगवान का ही रूठ गा, कहटा वो महाराज की याद आ रही हुए। तो धन्नो भगत बोलियो, ए भगवान वो महाराज तो पाछो को ना आवे, अरे आज तो मारा ही टक्कड़ जीवना पड़ेला, अर तो या राजी राजी जीम ले या मैं बेराजी सु भी जीमा पो जानू। और महाराज फिर भी भगवान कहीं असर को नो। जो धनो भगत देखियो कहे तीन दिन होगा यो भी भूखा मर रही हो, मैं भी भूखा मर रही हूँ। और महाराज एक लठ ले रहा है, लठ ले रहा, लठ बतायो कहे राजी राजी जिम्मे छे तो देख ले लठ। और जो ही लठ उठावा लाग्यो, अरे भगवान आवाज लगाई, धन्ना भगत लठ की मत दीजिए, मैं तो जीम रियो छू। महाराज उन्होंने भगवान ने उसी समय तीन दिन बाद चौथे दिन भगवान ने वो प्रसाद पाया।
धन्ना भगत के सामने जब भगवान भोजन पाने लगे तब धन्नो भगत कहे भगवान ने, जो भगवान तीन दिन को मैं भी भूखो छू और सारी रोटिया ने तू खा जाओ लो तो फिर मारे खाई रह लो, थोड़ी घनी मारे भी तो छोड़, पहली तो खा रही को खावा लागे तो सारी नहीं खावा भी तैयार हो गया। भगवान दो रोटी जो बाजरा की धन्ना भगत के लिए छोड़ी। अब रोज धनो भगत ले जा रोटी रख देवे और भगवान उठार सीधो खाबा कोई काम करा, मनवार भी कौन करा, राजी राजी जीवन। अब 10-15 दिन निकले, रोजना लियाओ टकटर खा जाओ, लियाओ टकटर खा जाओ। अब धनो भगत देखे वो तो फिजूल कोई खर्च हो गयो, काई काम करे ना धंधो करे और बैठे बैठे रोटियां तोड़े। तो उन्हें क्यों भाया ये फोकट की रोटियां मैं भी दे बाड़ो तो चाल गाया चरा मारी। और भगवान बोले बोले गाया चराबा को तुम्हारो काम पहली, मैं तो पहली भी गाया घनी चराया छू। और भगवान परलो की नाथ आज धन्ना भगत के गाय चराने के लिए हाड़ी रह गई। अरे सोबी गा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे, अरे आधा में तो गेहूं चढ़ा आधा में दाना आधा में धन्ना भगत के काहे काहे थे 100 बीघा को खेत जाट के और राम भरोसे खेती रे, 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे, आधा में गेहूं चढ़ा आधा में दाना मेथी रे, चोर आवे चक्कर लगावे जावे खाली रे। तरलो की नाथ एक भोला भगत धन्ना भगत के घर हाड़ी रह गया और गाय चराता है